तो कक्षा 6 का 11वां पाठ जो है वो है चेतक की वीरता। अब ये चेतक कौन था? महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था। और महाराणा प्रताप जी, जिनका नाम बहुत विख्यात है हमारे देश में, सब लोग जानते ही हैं इनके विषय में, तो यहाँ पर उनकी जो घोड़ा है उसकी वीरता के विषय में एक कविता है जिसको हमारे श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है। श्याम नारायण पांडे जी इस कविता के परिचय कविता के लेखक हैं। 1907 में उनका जन्म हुआ था, 1991 में वो हमसे दूर चले गए। इनकी कविताओं में वीर रस होता है। वीर रस मतलब जो योद्धा लोग हैं ना, उनकी कविताएं जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें वीरता का मतलब आनंद आता है। तो वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविताओं की एक बहुत बड़ी पुस्तक ही मान लो, हल्दी घाटी नाम था उसका। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़नी है वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता जिसको यूनिटी कहते हैं, मिलकर रहने की जो ताकत होती है, और उत्साह का संचार कर दिया था। तो ऐसी कविताएं जब देश आज़ाद होना वाला था उससे पहले लिखी जाती थी ताकि लोग ऐसी कविताओं को पढ़ करके देश की आज़ादी में अपना सारा योगदान दें। तो चेतक की वीरता को हम पढ़ते हैं। देखो लिखा है, रण युद्ध को कहते हैं रण बीच चौकड़ी भर भर कर, है ना, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के गोड़ों से पड़ गया हवा को पाला था। पाला पड़ जाना मतलब आदत पड़ जाना, उनके जो घोड़े थे उनको हवा के साथ बातें करने का पाला पड़ गया, मतलब हवा जितना तेज चलते थे। गिरता ना कभी चेतक तन पर, तन शरीर को भी कहते हैं, ठीक है। राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, अरि होते हैं शत्रु को, दौड़ रहा अरि मस्तक माथे को बोलते हैं या सर को बोलते हैं, अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। अब जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। मतलब इतना शक्तिशाली था उनका घोड़ा चेतक। तनिक मतलब थोड़ी सी भी, ठीक है, थोड़ी सी भी अगर लगी हुई रस्सी उनके ऊपर, जो रस्सी थी वो अगर थोड़ी सी भी हिल जाती थी, बाघ बोलते हैं रस्सी को, तो जो भी उसके ऊपर बैठा था उसको लेके उड़ जाता था। तो राणा की आँख की पुतली, आँख की जो बीच में पुतली हिलती है ना, मतलब वो फिरी नहीं तब तक चेतक जो था वो मुड़ जाता था। अब लिखा है, कौशल दिखलाया चालू में, कौशल होता है स्किल, कौशल दिखलाया चालू में, उड़ गया भयानक भालू में। भाला होता भाला, जिससे क्या करते हैं, शत्रु को मारते हैं, बड़ा लंबा सा ऐसे हथियार सा होता है। कौशल दिखलाया चालू में, उड़ गया भयानक भालू में, निर्भीक गया वह ढालू में। निर्भीक होता है बिना किसी डर के, गया वह ढालू में। ढाल होती हैं मतलब ढलान जैसी जगहें। सर बड़ दौड़ा करवालू में, है यही रहा अब यहाँ नहीं, यहीं रहता था वो लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरे मस्तक पर कहाँ नहीं। तो ये पंक्तियाँ हैं। अब इसके नीचे वाली पंक्तियों को भी हम पढ़ते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर चित्र है या महाराणा प्रताप जी के बहुत स्टैचू हैं हमारे देश में, तो ये पूजनीय हैं, सब लोग इनका सम्मान करते हैं और हम भी इनका सम्मान करते हैं, महाराणा प्रताप जी का। अब आगे यहाँ कुछ पंक्तियाँ हैं। बढ़ते नदसा, नद बोलते हैं नदी को, बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा। वज्र कहते हैं जैसे एक हथियार होता है जो इंद्र देवता के पास रहता था, उसे कहते हैं वज्र। या हनुमान जी के पास भी रहता था ना ऐसे वाला एक हथियार, ऐसे ही हथियार होता था एक, किसके पास, इंद्र भगवान जी के पास, उसको वज्र कहते थे। यहाँ से पकड़ते थे वो और शक्ति से कहीं दूसरे के ऊपर मारते थे, तो उसको वज्र कहते थे। तो क्या लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है कि विकराल वज्रमय बादल सा, वज्र जैसा मतलब अरि की सेना पर गहर गया, अरि मतलब शत्रु की सेना पर गहर गया मतलब टूट गया, भाला घिर गया, भाला जो था, जो भाला था किनका, महाराणा प्रताप जी का, गिर गया, गिरा निशंग जैसे तलवार गिरती हो, निशंग कहते हैं तलवार को भी कहते हैं, या जिसमें ना जिसमें तीर डालते हैं ना, तीर तुनीर जिसको कहते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं, निशंग कहते हैं। तो भाला गिर गया, गिरा निशंग जैसे तलवार गिरती हो वैसे भाला गिरा, हाय टापों से खन गया अंग, हाय कहते हैं घोड़े को, ठीक है, घोड़े का जो है मतलब अंग जो है वो क्या हो गए, क्षत विक्षत हो गए, वैरी समाज रह गया दंग, वैरी होते हैं दुश्मन, दुश्मनों का समाज दंग रह गया, घोड़े का ऐसा देख रंग, घोड़े का ऐसा रंग था कि उसे देख करके दुश्मनों का समाज भी दंग रह गया। तो श्यामा नारायण पांडे जी का लिखा हुआ ये बहुत सुंदर कविता पाठ है जिसे आपने पढ़ा है। तो सामने में कुछ प्रश्नोत्तर हैं, हर बार की तरह लिखा, चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ा था, चेतक शत्रु की सेना पर बादल की तरह, शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ा था, ठीक है, इसको आप उत्तर मान सकते हो, क्यों मानना उसके लिए आप अपने मित्रों के साथ डिस्कस भी करें, लेकर सवार उड़ जाता था, इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है, तो महाराणा प्रताप जी के लिए ही आया, क्योंकि चेतक के ऊपर बैठने वाले केवल और केवल महाराणा प्रताप जी ही थे। पंक्तियों पर चर्चा करनी है, ये जो पंक्तियाँ, निर्वेग गया वह ढालूँ मैं सर पर दौड़ा करवा लूँ मैं, ठीक है। अब लिखा है कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इनको मिलाना आपने, जैसे कि ये वाली पंक्तियाँ, राणा प्रताप के गोड़ों से पड़ गया हवा को पाला था, तो ये चौथा वाला इसका उत्तर है, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, ये दूसरा है, तो इसका क्या होगा, ये वाला तीसरा वाला हो जाएगा, दूसरा जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, तो ये आ गया हमारा तीसरा वाला, और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, तो ये आ गया हमारा चौथा, और विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया, आ गया पांचवा। तो इस तरह से ये आपने उत्तर लगा लिए। अब कुछ और भी जैसे हल्दीघाटी शीर्षक का विकृति का एकांश है, यहाँ इसका शीर्षक चेतक की वीरता दिया गया, आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे, तो आप भी तो कुछ इसको शीर्षक दीजिए, क्योंकि हल्दीघाटी से लिया गया है लेकिन यहाँ इसको चेतक की वीरता दिया गया, तो आपने पढ़ी कविता आप क्या दोगे, कविता की रचना देखो ये इस तरीके से भी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके सारे चैप्टर्स हो जाएंगे कम्प्लीट, ठीक है, जुड़े रहें हमसे।